जनता की चुनी हुई सरकार मनमानी करेंगी तो हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे पर झुकेंगे नहीं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुजारे ने जंगी साइकिल रैली को किया संबोधित। कहा, जाति का, समाज का और मजहब का जहर फैलाने वाले अपना कर ले ब्रेन वॉश। गौरव का भी दिन है और थोड़ा क्या अफसोस का दुख का भी दिन है, क्योंकि वीरांगना रानी अवंतीबाई ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। आपको पता है देश की आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई है वो लगातार 90 सालों तक चली है। 1857 में प्रथम क्रांति हुई थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में, और उस प्रथम क्रांति की महानायिकाओं में दो वीरांगनाएं सामने आई थी जिनका नाम लेते हुए हम सभी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। एक रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी और दूसरी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये दोनों वीरांगनाओं को मैं एक समान भाव से मानती हूँ, उनको नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करती हूँ। इन वीरांगनाओं ने हमें जीने का अधिकार सिखाया, अधिकार से लड़ना सिखाया, अधिकारों के लिए आवाज उठाना सिखाया। इन वीरांगनाओं की हम जितनी भी बात करें वो कम होगा। रानी अवंतीबाई ने जब उनके राज पर अंग्रेजी सरकार ने जब टेढ़ी नजर की तो रानी का स्वाभिमान जाग गया। उन्होंने कहा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, अपना सब कुछ खत्म कर लूंगी, लेकिन अपना राज अंग्रेजों को नहीं दूंगी, किसी कीमत पर नहीं दूंगी। अंग्रेजों ने उनको महिला समझकर कई तरह से डराया, धमकाया, कई तरह के लोक लुभावनी बातें की, लेकिन रानी ने कहा कि जिस इसलिए मुझे जीवित लाश नहीं बनना है, मुझे अपने राज्य की रक्षा करना है, से हमारे राज्य की जो जनता के स्वाभिमान की रक्षा करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ संधि करने को तैयार नहीं हूँ, किसी कीमत पर तैयार नहीं हूँ। और तब फिर युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ, लंबा युद्ध चला, और फिर जब रानी ने देखा कि उनकी सेना जो थी वीर गति को एक एक करके जो सैनिक थे प्राप्त होते गए, रानी की बहुत कम संख्या बची थी उनके सैनिकों की, तब उस स्थिति में रानी को लगा कि मैं एक राज्य की रानी हूँ, एक परिवार का सम्मान हूँ, एक राज्य का सम्मान हूँ, एक राज्य का गौरव हूँ, मैं एक नारी हूँ, इसलिए मुझे अपने निजी स्वाभिमान की भी रक्षा करना बहुत जरूरी है। और जीते जिंदगी अगर अंग्रेजों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मेरा इतना बड़ा जो संघर्ष है वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए फिर रानी अवंतीबाई जो कमर में कटार रखती थी खोस के, वो कटार उन्होंने निकाली और अपने ही हाथ से अपने सीने पे भोंक के उसको अपने सीने में मार के वो वीर गति को प्राप्त हो गई। आज हमारे सभी दूर दूर से हमारे भाई लोग आए हैं, कुछ बहनें भी यहाँ पर हैं। महंगाई के खिलाफ में आज ये आंदोलन किया गया और हमारे बालाघाट जिले के क्रांतिवीर पूर्व सांसद माननीय मुंजारे जी के नेतृत्व में आज ये साइकिल रैली निकाली गई। आखिर क्या जरूरत थी साइकिल रैली निकालने की? वैसे तो साइकिल चलाना सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा वाहन साइकिल है, सबसे बढ़िया, लेकिन ये एक सांकेतिक रूप से रैली निकाली गई है केंद्र की सरकार को जगाने के लिए, उसकी मनमानी पर लगाम लगाने के लिए। आप जानते हैं आज हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल का हो, महंगाई की मार से बुरी तरह से पीड़ित है, बुरी तरह से परेशान है। कोई खुल के बोल रहा है, कोई खुल के नहीं बोल पा रहा है। आज आप देखिए, आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड उठा के देख लें, कभी 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल हुआ है? कभी नहीं हुआ। आज डीजल की कीमत 100 रुपए हो रही है। एक जमाना था, आज नहीं, आज से मुझे लगता है 25 साल पहले, मुझे अच्छे से याद है, 10 रुपए डीजल हुआ करता था। हमारे पास उस समय एक गाड़ी थी पुरानी, महिंद्रा की जीप थी, हरी जीप के नाम से हम उसको बोलते थे। हम 10 लीटर उसमें 100 रुपए का डीजल डलाते थे और दौरे पर चले जाते थे। 100 रुपए में 10 लीटर डीजल आज से 25 साल पहले हम डलाते थे। तो आज ये हालत है, कमर तोड़ महंगाई। अभी हमारे यहाँ
थे। तो महंगाई, फिर लॉकडाउन, फिर कोरोना की महामारी, पर सरकार हमारी केंद्र की, मोदी जी की सरकार की कोई नीति रीति कुछ समझ में ही नहीं आती है। उधर सेना के जवान बहुतायत में मारे जा रहे हैं और ये सरकार अपने बड़े बड़े बोल बोले जा रही है, लेकिन उन सैनिकों के जीवन की रक्षा के लिए कोई ठोस उपाय हमारे ना रक्षा मंत्रालय के पास है ना प्रधानमंत्री जी के पास है। बातें बड़ी बड़ी हैं। तो ये महंगाई, कमर तोड़ महंगाई के विरोध में ये साइकिल रैली आज निकाली गई है और ये दलगत भावना से ऊपर उठकर आम नागरिकों की रैली है। फैला रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि आज महंगाई की मार सबको पड़ रही है, चाहे वो हम हैं, चाहे आप हैं, कोई भी हो, सबको पड़ रही है। तो फिर माननीय बंजारे जी के नेतृत्व में अगर आज एक वीरांगना को नमन करते हुए अगर ये साइकिल रैली निकाली जा रही तो लोगों को क्यों तकलीफ हो रही? किस बात की तकलीफ? क्यों? वीरों की, वीरांगनाओं की जयंती और शहादत दिवस एक नहीं सैकड़ों जगह मनाई जा सकती है। अगर बालाघाट शहर में 35 वार्ड है तो 35 वार्डों में मनाई जाना चाहिए। सच्चाई ये हो, ये है, अपने अपना ब्रेन वॉश कर लेना चाहिए। जो लोग जहर फैलाते हैं जाति का, समाज का, मजहब का, उनको इस बात को समझना चाहिए। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हमारा विरोध जो है सरकार की मनमानी नीति के खिलाफ है। और जब तक सरकार मनमानी करेगी हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे और लड़कर एक दिन खत्म हो जाएंगे, समाप्त करने हो जाएंगे। लेकिन कभी हिम्मत हारने वाले नहीं है, क्योंकि अगर हम हिम्मत हार गए तो इस देश को कौन बचाएगा? हमारी आने वाली पीढ़ियों ने अगर हमसे शिक्षा नहीं ली तो हमारा देश का क्या होगा? क्या इसलिए वीरांगना रानी अवंतीबाई ने अपने सीने में कटार घोंपी थी कि हम इस मताना सरकार के आगे नतमस्तक हो जाएं, इनकी महंगाई के आगे नतमस्तक हो जाएं, सिर झुकाकर बैठ जाएं, घर की बैठक में बड़ी बड़ी बातें करें महंगाई है महंगाई है और बाहर आकर जाए वो मोदी हर हर मोदी जी करें? ऐसा नहीं, लोकतंत्र में जनता मालिक है, हम मालिक हैं। और हमारी चुनी हुई सरकार अगर हमारा शोषण कर रही है, हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, हमारे ऊपर महंगाई की मार मार रही है, तो हम क्यों चुप बैठे? किस लिए बैठे? फिर हम लोकतंत्र के मालिक कैसे कहलाएंगे? फिर ये बताइए आप, ये हमेशा ध्यान रखें कि आप लोकतंत्र में मालिक हैं। कोई नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री जी, कोई आपके ऊपर नहीं है, सबसे बड़े आप हैं। आपका वोट है, आपका जनाधार है, आपकी ताकत है, आपकी हिम्मत है, आपका समर्थन है, आपका साथ है। तो ये हमेशा ध्यान रखें।